पर दिल से मगर नहीं निकला। दोस्तों, डंकी का टीजर देखने के बाद आंखों से आंसू आ जाते हैं। डायरेक्टर एटली कुमार कहते हैं कि चार लोग जो कि लंदन जाना चाहते हैं और इलीगल रूट को अपनाते हैं। ये कहानी काफी खतरनाक होने वाली है और डंकी का टीजर साफ साफ बता रहा है कि ये मूवी पूरा थिएटर रुला देगी और ये इतना ज्यादा इमोशनल करेगी जो कि आज से पहले राजकुमार हिरानी की किसी भी मूवी नहीं किया होगा। डंकी का टीजर इमोशन और कॉमेडी से भरा हुआ है। इसमें जो भी दिखाया गया है वो कमाल का है। डायरेक्टर एटली कुमार डंकी के टीजर के बारे में कहते हैं कि टीजर इमोशनल और कॉमेडी के साथ आपको अच्छा सामाजिक संदेश भी देता है। डंकी की स्टोरी काफी बढ़िया होने वाली है। इसमें चार दोस्त होते हैं जो कि इलीगल रूट से लंदन में घुसना चाहते हैं। फिर कैसे वो पकड़े जाते हैं और कैसे उन पर हमला होता है वो काफी खतरनाक होगा और रुला देने वाला इमोशनल ड्रामा इसमें देखने को मिलेगा। आज शाहरुख खान का बर्थडे है और फ्रेंड्स को शाहरुख खान ने बहुत अच्छा गिफ्ट दिया और आज जो टीजर आया है उसने पूरा इंटरनेट हिला दिया है। इस बार शाहरुख खान एक और ब्लॉकबस्टर देने वाले हैं और 3000 करोड़ एक साल में कमाकर बॉलीवुड के बादशाह ऐसा ऐतिहासिक रिकॉर्ड क्रिएट करने वाले हैं जिसको कोई भी तोड़ नहीं पाएगा। और शाहरुख का मुकाबला करना अब किसी के बस की बात नहीं है। पहले विक्रम राठौड़ और अब डंकी, मानो शाहरुख ने बॉलीवुड को बचाने का सारा जिम्मा अपने सर लिया हुआ है और राजकुमार हिरानी की डंकी मूवी काफी बड़ी सुपरहिट होगी क्योंकि राजकुमार हिरानी बॉलीवुड के बेताज बादशाह और काफी बड़े डायरेक्टर हैं जिन्होंने आज से पहले हमेशा बिलोक बास्टर मूवीज ही दी है। डंकी की स्टोरी भी काफी खतरनाक होने वाली है जो कि आपकी रूह तक हिला देगी। दोस्तों, आपको डंकी का टीजर नंबर 1 कैसा लगा और क्या आपने डंकी के टीजर को देखने के बाद ये महसूस किया कि ये स्टोरी कहीं ना कहीं दिल को छू लेती है, कमेंट में लाजमी बताना। अगर आप शाहरुख के सच्चे फ्रेंड हो तो हमारे चैनल FFU को लाजमी सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको डंकी की सारी अपडेट मिलती रहे। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर लाजमी करना। धन्यवाद।